हाय गाइस, दिस इज सचिन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द प्रोफेशनल स्टडी। इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी बिग अनाउंसमेंट करके, उसमें मैंने ये बताया था कि इस चैनल पे आपको टैक्स और ऑडिट की बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलने वाली है। और पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वीडियोज किसके लिए एप्लीकेबल है, कब तक के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों बता देता हूँ कि जितने CA इंटरमीडिएट मतलब न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस दोनों के हो सकते हैं, एंड CMA इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको May 20 एंड November 20 के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री वीडियो होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या पूरा सिलेबस कवर होगा, 100% पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। इनफैक्ट इसमें जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे, मतलब अभी May 20 में वो सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे जो 31st October तक आए होंगे, November 20 में वो सारे अमेंडमेंट्स कवर होंगे जो मे अटेम्प्ट तक आएंगे, मतलब 30th April तक, तो वो सारे अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप बेफिक्र हो के बस आपको पढ़ना है, मेरे वीडियोस देखने, शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करना है दोस्तों, ठीक है। सो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड अभी फिलहाल मैं पहले इनकम टैक्स खत्म करूंगा एंड देन बीच बीच में ऑडिट के भी एक आध लेक्चर्स में अपलोड करते रहूंगा इस चैनल पे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। देखो, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स होता क्या है, पहले बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनकम टैक्स है क्या। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टैक्स। सो देखो, जब हम लोग रोड में चल रहे हैं, ठीक है, रोड में चल रहे हैं जहां पर अपना यूज कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगे होते हैं, ये सारा जो खर्चा होता है, रोड बनाने का खर्चा, जो अपने पास नल में पानी आ रहा है इसका खर्चा, जो गवर्नमेंट हम लोग को यू नो प्रोवाइड कराती है, वेलफेयर जो सोशल वेलफेयर होते हैं वो हम लोग को गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है, उसके बदले में गवर्नमेंट हम लोग से क्या चार्ज करती है, टैक्स। तो सो यही होता है टैक्स। तो मतलब ये जो टैक्स होता है, बेसिकली इनकम टैक्स का मतलब ये होता है कि जो कि इंडिविजुअल के या किसी भी पर्सन के इनकम पे चार्ज होने वाला टैक्स क्या कहलाता है, इनकम टैक्स। ओके, ये तो हो गया टैक्स। अगर इसका अपन टैक्सेशन डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इन अ सोसाइटी। अपन सोसाइटी में रहने के लिए जो खर्चा लगता है, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, जो अपन रोड का यूज कर रहे हैं, जो टोल टैक्स कटते हैं, वो भी एक टैक्स है। ये जो इनकम टैक्स है, इसको अगर अपन छोटे से दो शब्द में समझे तो वो क्या है, जो हायर ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उसको उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ये सोचना है, उनका ये ओपिनियन है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ही ज्यादा एबल है टैक्स का अमाउंट पे करने के लिए, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स कहा जाता है। दोस्तों टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली दो टाइप के ऑफ टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो इनकम टैक्स है ये किस में फॉल करता है। तो देखो, जो इनकम टैक्स होता है वो इंडिविजुअल के इनकम पे चार्ज होता है, मतलब जो इनकम अर्न करेगा उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स किसके जेब में जा रही है, गवर्नमेंट के जेब में। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। अच्छा, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों हुआ, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिसका जो बर्डन ऑफ टैक्स है, बर्डन ऑफ यू नो पेमेंट ऑफ टैक्स है, वो जो बंदा बियर करता है वो सेकेंड पर्सन पे शिफ्ट कर देता है, लास्ट में वो जाके कस्टमर को पेमेंट करना पड़ता है। तो इसमें ऐसा जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी जितनी इनकम या जिसकी जितनी रेवेन्यू, ऐसा नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्स में। इस इनडायरेक्ट टैक्स का जो लास्ट इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है वो डायरेक्ट कस्टमर पे चले जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि व्हाई टैक्सेस आर लेविड, टैक्स लगाया क्यों जाता है। जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट का जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है टैक्स। तो टैक्स ही गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, इसीलिए वो इंडिविजुअल्स पे, फर्म्स पे, कंपनीज पे, उनके रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करते हैं। अच्छा, टैक्स के रेट्स क्या होते हैं ये अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक्स चल रहे हैं तो अभी अपन इसको स्लोली स्लोली देखते हैं। ओके, सो टैक्सेस क्यों चार्ज होते हैं ये आपको पता चल गया। अब बात करेंगे पावर टू लेवी, कि टैक्स कौन लगा सकता है, कौन चार्ज करता है। ओके, देखो दोस्तों, दो टाइप के टैक्स होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स, ये होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी अपन पढ़ लिया, इसके कुछ बेसिक्स एग्जांपल है लाइक GST, ये भी हमारे सिलेबस में, कस्टम हो गया, ये CA फाइनल के सिलेबस में, वैट हो गया, सर्विस टैक्स जो पहले था वो उसको ही हटा के GST किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सो पावर टू लेवी में अगर अपन जाएंगे
तो देखो पावर टू लेवी जो हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 265 में, आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 265 में ये पावर दिया गया है गवर्नमेंट को कि वो टैक्स चार्ज कर सकती है। ओके, आर्टिकल 265 में पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि वो टैक्स चार्ज कर सकती है, और ये जो टैक्स चार्ज करेगी ये ऑथोरिटी होगी जिसको पावर होगा टैक्स चार्ज करने का। ऐसा नहीं है, अब जैसे एक इनडायरेक्ट टैक्स का एक बेसिक एग्जांपल दूं तो वो ये है कि अगर अपन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहां पे सर्विस टैक्स जो चार्ज होता था, आपके बिल में लिखा हुआ आता है कि सर्विस टैक्स, अभी वो जीएसटी के नाम से आता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एक बेसिक एग्जांपल 18%, तो 9% होता है सीजीएसटी, 9% होता है एसजीएसटी। तो ये जो 18% टैक्स चार्ज होता है, बोलते कि अपन ने सर्विस दी तो उसके बदले में टैक्स जो चार्ज होता है वो होता है सर्विस टैक्स। ओके फाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो होटल या रेस्टोरेंट का मालिक है वो अपने हिसाब से चार्ज कर देगा कि 10 रुपए हमने आपको सर्विसेज दिए तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको कोई अथॉरिटी नहीं है टैक्स चार्ज करने की। तो आपके साथ अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है कि कोई रेस्टोरेंट वाला या उसका मालिक आपके ऊपर टैक्स चार्ज करता है कि हमने आपको सर्विसेज दी, देन यू कैन फाइल अ सूट। आप उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हो कि भाई आपके पास अथॉरिटी नहीं है टैक्स चार्ज करने की। टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट के पास? जो आर्टिकल 265 में डिफाइंड है। ओके, अच्छा, एक सेवंथ शेड्यूल बात करूंगा, आर्टिकल 246। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 246 के सेवंथ शेड्यूल में बताया गया है 3 लिस्ट होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं। यूनियन लिस्ट में जितने कवर्स होंगे, जितने मैटर्स कवर्स होंगे, उस पे टैक्स चार्ज करने का जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। बेसिकली ये जो इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में ही कवर होता है एंट्री नंबर 82 में। एंट्री नंबर 82, यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स कवर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर होती है। दोस्तों एक्सक्लूसिव पावर क्या होता है? एक्सक्लूसिव पावर का मतलब ये होता है कि उसको ही वो पावर है, इसके अलावा कोई सी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। ओके, स्टेट लिस्ट क्या होता है? सो स्टेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है कि वो सारे मैटर्स जो स्टेट लिस्ट में कवर होंगे वो उस पे टैक्स चार्ज कर सकती है। छोटे मोटे एग्जांपल्स है जैसे कि यू नो अल्कोहलिक लिकर या ऐसे जितने प्रोडक्ट्स हैं जो नशे वाले होते हैं, वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेट्स होते हैं कि वो उस पे कितने परसेंट टैक्स चार्ज करती है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? सो कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही टैक्स लगाने का अधिकार होता है। वो सारे मैटर्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में कवर होते हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को राइट्स होते हैं कि वो इस पे टैक्स चार्ज कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं कि यूनियन लिस्ट का मतलब, यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स जो कवर होंगे उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं कि वो उस पे टैक्स चार्ज कर सकते हैं। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट कवर करता है इनकम टैक्स को, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव पावर है इस पे टैक्स रेट डिसाइड करने का। ओके, स्टेट लिस्ट का मतलब, स्टेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जिस पे स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को पावर होती है कि वो इसमें कवर होने वाले सारे मैटर्स पे टैक्स चार्ज करेगी, इसके रेट डिसाइड करेगी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करेंगे कि रेट क्या रखना है टैक्स का, कैसे टैक्स को चार्ज करना है। तो ये बेसिक्स थे इनकम टैक्स के। अभी फिलहाल मैं ये आज इतने ही कवर करने वाला हूँ। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बता सकते हो। अगर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है, पर्सनल पूछना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, 8461809550। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं आपके जो भी डाउट होंगे। ओके, देखो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैं सारे नोट्स कहां से ला रहा हूं। सो ड्यू क्रेडिट्स टू माय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया,
ऐसा नहीं है कि जो ICAI के नोट्स है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो नोट्स है, वो क्या CLA वाले पढ़ सकते हैं? डेफिनेटली वो लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल स्टूडेंट एंड मैं दोनों दे रहा हूँ, CA के एग्जाम्स भी दे रहा हूँ, CMA के एग्जाम्स भी दे रहा हूँ। तो मैंने CMA का एग्जाम भी मैं ICAI के ही नोट्स से पढ़ के दिया हूँ। तो ये जो नोट्स हैं, ये मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ICAI.org, यहाँ पे आप जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको रिविजनरी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं रिविजन नोट जो खुद के बना हुए वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अभी आप इसको देखिए, रिविजन कीजिए, नोट्स बनाइए, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।